बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के जूनियर डॉक्टर सौरभ वर्मा लापता। चीफ प्रॉक्टर ने लंका थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। बाइक से निकले थे सौरभ वर्मा लापता जूनियर डॉक्टर की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। राजू ये बताइए कि दरअसल डॉक्टर वाकई लापता है, किसी काम से निकले, अभी उनकी सूचना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? तो यहां वाराणसी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर फिलहाल लापता है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के जूनियर डॉक्टर सौरभ वर्मा का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद जाकर चीफ प्रॉक्टर ने लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन फिलहाल वो नहीं मिले हैं। बाइक से निकले थे सौरभ वर्मा और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। लापता जूनियर डॉक्टर की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई वाराणसी से, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर लापता है। तो बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के जूनियर डॉक्टर सौरभ वर्मा, उनकी कोई जानकारी फिलहाल अस्पताल प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को नहीं है, और यही वजह है कि लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि बाइक से वो आखिरी बार जाते हुए दिखाई पड़े थे, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई सूचना नहीं है। राजू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। राजू ये पूरा मामला क्या है, वाकई लापता है? लंका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है, अब तक पता क्यों नहीं चल पाया जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर का? देखिए, गुमशुदगी का मामला फिलहाल पुलिस ने दर्ज कर लिया और एक टीम गठित कर दी गई है। उनके कॉल डिटेल भी निकाले जा रहे हैं कि लास्ट टाइम किससे बात हुई और लोकेशन क्या रहा है फोन का, ये भी चेक किया जा रहा है। जो उनके दोस्त हैं उनसे भी सुबह पुलिस हॉस्टल में पहुंची है, वहां पर बातचीत कर रही है कि शायद कोई जानकारी निकल कर आए जिससे रेजिडेंस डॉक्टर को खोजा जा सके। फिलहाल इस बात, इस घटना की जानकारी जो है वो परिजनों को दे दी गई है, परिजन भी पहुंचे हुए हैं लंका थाने पर। अब पुलिस की जो टीम गठित की गई है रेजिडेंस डॉक्टर को ढूंढने के लिए, वो लगातार आसपास के जिलों में, बिहार भी बॉर्डर पे पता कर रही है फोटो दिखाकर, तो कहीं ना कहीं। राजू क्या इसे समझा जाए किडनैपिंग के एंगल से भी देख रही है पुलिस इस पूरे मामले को? देखिए, गुमशुदगी दर्ज होने के बाद अगर 24 घंटे तक नहीं मिलते हैं तो वो अपहरण में मामला दर्ज हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अगर किसी से डॉक्टर के किसी से मारपीट या किसी से तनाव की अगर बातें रही हो या किडनैपिंग की बातें रही, अभी इस पे साफ चीजें नहीं हो पाई किस वजह से डॉक्टर खुद बाइक चलाकर निकले थे, तो कहाँ गए हैं और कहाँ उनका फोन है, ये भी चेक जब तक पुलिस नहीं कर लेगी। शुक्रिया राजू श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।